सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ई टेंडरन मामले में दोषी पाए जाने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा के प्रावधान के खिलाफ देश भर के ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए और इस काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी के तहत भिवानी में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर भिवानी के जनता ट्रक यूनियन के बैनर तले सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की, इस कानून की वापसी की मांग की है। मेरा नाम बिनू शेखावत है, मैं ट्रक यूनियन प्रधान हूँ भिवानी से। जो काला कानून लागू किया गया है सरकार ने, ये ड्राइवरों के खिलाफ है। इसे वापिस ले कानून को। ये हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी है 10-15 हज़ार की, ड्राइवर आदमी नौकरी करता है, कहाँ से 5 लाख कहाँ से 10 लाख भरेगा। ये सरकार कहती है भाई उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ये उसमें ये बताओ भाई हॉस्पिटल ले जाने के दौरान पब्लिक उसको चोट करती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा। सभी गाड़ियाँ ड्राइवर यहाँ पे छोड़ के जाने लग रहे हैं, गाड़ियाँ सारी हमारी खड़ी हैं, कहाँ से चलाएंगे, लागू तो हमारे पे भी। सुना में सर आज भिवानी की गई है, ये ट्रक यूनियन है एक भाईचारे की, इसके अंदर आज ट्रक यूनियन में ये करवाया गया है भाई। हम ड्राइवर भाइयों के साथ हैं, उसमें ये नाजायज होने लग रहे हैं अभी ड्राइवरों के साथ। कहाँ से 5 लाख कहाँ से 10 लाख भरेंगे, 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं वो। नए कानून के तहत कोई भी ट्रक चालक या वाहन से जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में ना पहुंचाए जाने का दोषी पाया जाएगा और नए कानून के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना और अधिकतम 7 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। भारत में 28 लाख से ज्यादा ट्रक चालक 100 अरब किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इन ट्रकों पर 50 लाख से अधिक काम करते हैं। ऐसे में ट्रकों के माध्यम से होने वाली सड़क दुर्घटनाएं भी आम तौर पर देखने को मिलती हैं। मेरा नाम संजय है जी, मैं भिवानी से हूँ और जी गाड़ी चलाता हूँ, बस चलाता हूँ। मेरा ये अनुरोध है श्री नरेंद्र मोदी जी से और जी अमित शाह से और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, ये जो हमारे ऊपर कानून बनाया गया है इस कानून को जी वापसी लिया जाए। ये कानून अगर ये रहेगा तो जी हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जी, क्योंकि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि दिमाग में डर ही ये रहेगा कि कल को कोई हादसा हो जाएगा तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए। भिवानी के जनता ट्रक यूनियन के जिला प्रधान बिन्नू शेखावत ट्रक चालक ने बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से आह्वान करते हैं कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लें, अन्यथा वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ट्रक चालकों ने तर्क दिया कि ट्रक से दुर्घटना होने पर आम लोग ट्रक चालक को पीटते हैं, ऐसे में घायल को अस्पताल पहुंचाना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में 10 लाख का जुर्माना और 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान गलत है, इस कानून को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ट्रक ड्राइवरों को मात्र 10 से 15 हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती है, ऐसे में 10 लाख का जुर्माना भरना उनके लिए संभव नहीं। वो सड़क पर चलते हुए चिड़ियों को मारना भी पसंद नहीं करते, लेकिन दुर्घटना किसी की भी गलती से हो सकती है, इसलिए इस कड़े कानून के तहत ट्रक ड्राइवरों को 5 से 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान करना गलत है। मैं अजीत सिंह भिवानी से ट्रक यूनियन से, ये हमारे मिन्नू प्रधान की रेख देख में भिवानी यूनियन में जो ये कानून बनाया है, ये जो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, ये हमारा अनुरोध है सभी का कि ये कानून वापस लिया जाए। ये ड्राइवर से कभी भी 5 लाख रुपए और 10 साल की सज़ा नहीं होगी। अगर जो 10 साल की ड्राइवर की सज़ा होगी तो आप उसके घर में देखो वो क्या होगा। केंद्र सरकार के इस नए नियम के बाद से ट्रक चालकों में हड़कंप मचा हुआ है और वो सभी हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रक चालकों के हड़ताल पर होने से ट्रकों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और कई कंपनियों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन ट्रक चालक इस नियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रक चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।